आज साल का बहुत ही खास शुक्रवार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं बात करूंगी बचे हुए साल को माँ लक्ष्मी की कृपा से भरने वाले चीज़ों की। माँ लक्ष्मी की कृपा साल भर बचे हुए साल आपके ऊपर कैसे बने रहे, आपके परिवार पे कैसे बने रहे, आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बचे हुए साल में माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने की। आपको बताऊंगी वो 11 वरदान जो एक्चुअली में ही बचे हुए 6 महीने में वरदान साबित होंगे। और आज बात करेंगे लकी वास्तु की, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आपको क्या खास काम करना है, फ्राइडे के दिन काले चने खरीदने हैं, फ्राइडे रात को उसको भिगो देने हैं, सैटरडे को सुबह उठ के मसल के साथ में आपको जाकर ये मछलियों को खिलाना है। इसको साल भर आप कीजिए बचे हुए साल, ताकि खुशियां प्रॉस्पेरिटी आपके घर आए। इसके साथ में काले कोले ले लीजिए, ये किसी गरीब को दान कीजिए, और लोहे की पट्टी पानी के पास किसी जगह पर गाड़ दीजिए। इससे आप किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपका काम भी होगा। बचे हुए साल में माँ लक्ष्मी आप पे कैसे मेहरबान होंगी, कैसे उनकी कृपा आप पर बरसेगी, कैसे आपके सारे काम बनेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी की बहुत सारी मूर्तियाँ एक ही कमरे में नहीं रखनी है। अगर आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप में भावना है तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं रखें। इनको अलग अलग कमरे में रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो हर दिशा से आती हुई अच्छी लगती है ना। और एक बात, अगर आपको पूजा नहीं करनी है या आप बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो मंदिर में भी रखवा सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको सुननी है, कि आप किसी भी ज़रूरी काम पर जाएं तो गणेश जी के आगे दूर्वा चढ़ाकर ही घर से निकलिए, इससे आपके काम ज़रूर बनेंगे। तीसरी बात, सुबह उठते ही शीशा देखना अच्छा नहीं माना जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उठें। चौथी ज़रूरी बात, अगर आपका वॉलेट फटा हुआ है तो उसको बिल्कुल अपने साथ ना रखें, या तो वॉलेट ठीक करा लें या नया ले लें। और शुक्रवार के दिन एक सिक्का माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के पूजा करें। इस सिक्के को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या वॉलेट में रखें, देखिए माँ लक्ष्मी यहाँ पे कैसे मेहरबान होती हैं। अगली ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें। शुक्र जो है ये फीमेल प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र की देवी है माँ लक्ष्मी। फीमेल बहन बेटी बीवी सबका आदर करें। अगर आप फीमेल्स का आदर नहीं करते हैं तो शुक्र प्रसन्न नहीं होगा, और शुक्र प्रसन्न नहीं होगा तो आपके घर में प्लेजर्स और लग्जरीज नहीं आएंगे। इसीलिए शुक्र यानी कि अपने घर में फीमेल्स की कद्र करें। अगली ज़रूरी बात यह है कि सोमवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा बिल्कुल ना करें। इस दिन लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी घर आएंगी। शनिवार को किसी भी नशीली चीज़ नशीले पदार्थ को बिल्कुल भी ना छुएं। मतलब शाम हो जाने के बाद, सूरज ढलने के बाद आपको पैसे के लेन देन की कोई भी नई ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। और सवाल ये है कि क्या आपके पर्स में पैसे की कमी है? अगर है तो क्या करें? थोड़े से चावल ले लीजिए अक्षत बिना टूटे हुए, इन्हें केसर के पानी में रंग दीजिए, थोड़ी देर के लिए माँ लक्ष्मी के आगे रखिए, और कोशिश कीजिए कि कुछ दिन इसको, जैसे आप 3 दिन या 5 दिन जितने दिन आप कर सके, 3, 5 या 11 दिनों में से एक दिन में आपको चुन लेना है, और उतने ही दिन चावल अक्षत भीगे रहें और हल्के हल्के में भिगोइए, ताकि पूरे रंग जाएं पीले रंग से। और आपको श्री सूक्त का पाठ करना है 108 बार, चाहे 3 दिन में कंप्लीट कर लें, चाहे 5 दिन में कर लें, या 11 दिन में कर लें। इसके बाद इन अक्षत, ये जो पूरी तरह से अभिमंत्रित अक्षत हो जाएंगे, इन्हें पूजा करने के बाद अपने पर्स में थोड़े से बांधकर और बाकी लॉकर या तिजोरी में रख लीजिए, और फर्क देखिएगा। आधा साल बचा हुआ है और आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जिसको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। कौन सी है वो चीज़ें जो अपने घर में लानी है, ताकि माँ लक्ष्मी मेहरबान हो, आइए जानते हैं। देखिए, घर में टूटे हुए कांच आप बिल्कुल ना रखें। ऐसा होने पर घर में नेगेटिविटी फैलती है, अशांति फैलती है। वैसे भी टूटा हुआ कांच जो है ये पॉजिटिविटी नहीं लाता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि घर में टूटे हुए बर्तन ना रखें। कहते हैं ना, जहाँ लोग साथ में रहते हैं बर्तन खटकते हैं, इससे भी घर में नेगेटिविटी आती है। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि घर में भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखें। आप इसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ाइए, या फिर आप इसको नदी में मत डालिए, प्लीज़ नदी को पल्यूट नहीं कीजिए। अगर आपके घर में टूटा हुआ पलंग है तो इसको भी ठीक करें। पलंग मतलब रिलैक्सेशन, पलंग मतलब मैरिड लाइफ, इन दोनों में डिस्टर्बेंसेज आ जाएगी। अपने घर में कोई भी बंद हुई हुई घड़ी नहीं रखें। बंद घड़ी का मतलब है आपका समय रुक जाना, आपकी पॉजिटिविटी रुक जाना। आपके घर में टूटा फूटा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। फर्नीचर यानी कि कम्फर्ट, इससे घर का कम्फर्ट जाता है। घर में कोई भी टूटी हुई तस्वीर मत रखिए। घर में टूटी हुई तस्वीर का मतलब कि रिश्तों में दरार आ सकती है।
घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं रखिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब घर में राहु का खराब हो जाना, जिससे सबके दिमाग में नेगेटिविटी आती है। घर में ध्यान रखिए कि कहीं कोई दरवाजा टूटा हुआ ना हो। दरवाजा मतलब प्रॉस्पेरिटी आने का रास्ता। अगर घर में दरवाजा टूटा हुआ होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं बल्कि जाएगी। अगली चीज, अपने आसपास कहीं पे भी टूटा हुआ पेन मत रखिए। टूटा हुआ पेन रखने का मतलब कि आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा होना। आपको कुछ खास उपाय बता रही हूँ, ये खास उपाय आपको शुक्रवार को ही करने हैं ताकि बचा हुआ साल आपके लिए वरदान बनकर आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। क्या करना है आपको, आइए जानते हैं। शुक्रवार के दिन आप गाय को रोटी जरूर खिलाइए, ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। दूसरी चीज, आपको सफाई का जरूर ध्यान देना है। शुक्रवार के दिन घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से कराइए। साफ सफाई अच्छे से कराने के बाद अपने घर के कोने कोने को साफ करिए। इसके बाद एक ऐसे पेड़ पर नजर रखिए जहाँ पर चमगादड़ बैठते हो, ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ कर ले आइएगा और अपने घर में ऐसी जगह छुपा कर रखिएगा जहाँ कोई देखे नहीं। इससे भी घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को जरूर करें और दक्षिणाव्रति शंख में अक्षत यानी कि चावल के दाने और गुलाब की पंखड़ी भर कर माँ का नाम लीजिए। इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और अगले शुक्रवार इसको बदलने के बाद पुराना किसी पौधे में डाल दीजिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि फ्राइडे के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ का दान करना है, जैसे आटा, चावल, चीनी या सफ़ेद कपड़ा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और एक काम करें, आप शुक्रवार को 11 छोटे नारियल ले लीजिए, इन्हें पीले कपड़े में लपेटिए और किचन की ईस्ट में लगा दीजिए। इससे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपके जीवन में खुशियां नहीं रहती, तो फिर एक काम करिए, जहां पर गाय पलती हो वहां पर जाइए, गाय के पैर की मिट्टी नीचे से ले आइए, इसको लाल रंग के कपड़े में बांधिए, इसकी पोटली बनाइए और इसको अपने घर में पूजा वाली जगह पर रखिए। इसकी रेगुलर पूजा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको खास बताने वाली हूँ उपाय, वो उपाय जो आपको राशि के हिसाब से करने हैं और शुक्रवार के दिन ही करने हैं। इसको कीजिए और फिर देखिए बचा हुआ साल कितना प्रॉस्परस और हैप्पी होता है। इस फ्राइडे नहीं तो अगले फ्राइडे जरूर कर लीजिएगा। तो मैं दो राशियों की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मेष और कर्क राशि वाले लोग। मेष और कर्क राशि वाले लोग धर्म स्थान में जाकर पूजा करें, पुरोहित से आशीर्वाद लें, वहाँ जाकर सफाई करें, अपने हाथों से झाड़ू लगाएं। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसेगी। अगर हो सके तो यहाँ पर शिखा भी रखें, लेकिन अब आज के मॉडर्न टाइम में मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं उतना तो करें। बात करते हैं वृषभ और तुला राशि वाले लोगों की। वृषभ और तुला राशि वाले लोग माँ से चांदी लेकर रखें, चांदी के साथ थोड़े से चावल भी बांध के रखें, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लें, उन्हें खाने पीने का सामान दें, उन्हें चीज़ें गिफ्ट करें, आपके लिए साल भर लकी रहेगा। मिथुन और कन्या राशि वाले लोग, सार्वजनिक तौर पर मंदिर में आप जाकर पानी पिलाइए या गरीब जगहों पे जाकर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं पानी की सेवा कीजिए। इसके साथ साथ नंगे पैर मंदिर पे जाइए और तामसिक भोजन को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, हो सके तो बेल्ट का प्रयोग भी कम करें। सिंह और वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें, आप लोग नए जूते चप्पल कुछ समय के लिए ना खरीदें, हो सके तो गुड़ गरीबों में बांटिए, और एक काम कर सके तो बहुत अच्छा है, केसर वाली खीर बनाकर भी गरीबों में बांटें, छोटी बच्चों का आशीर्वाद जरूर लेते रहें। धनु और कुंभ राशि वाले लोग किसी से फ्री गिफ्ट्स ना लें, चाहे 2 रुपये 10 रुपये इन रिटर्न ज़रूर दे दें, हो सके तो डेली घी का दीपक घर में जलाइए, नंगे पैर घर में मत घूमिए और बड़ों का आदर कीजिए। मकर और मीन राशि वाले लोग घर में पीले फूल वाले पौधे लगाएं, तीर्थयात्रा करें, तीर्थयात्रा में लोगों की मदद करें, कन्यादान में लोगों की मदद करें, ईश्वर आपका भी बहुत अच्छा करेगा। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। या शादी के कई साल बाद तक संतान नहीं हो रही है, ऐसे में फीमेल क्या करे, आपको 8 मंगलवार के फास्ट रखने हैं। मंगलवार का जब आप फास्ट रखेंगी तो ध्यान रहेगी उस दिन नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहने, गेहूं का खाना आपको नहीं लेना है और एक टाइम भोजन लेना है। इसके साथ साथ आपको हनुमान जी की 11 माला का जाप जरूर करना है। माला का मंत्र क्या है, मंत्र नोट कीजिए, हन हनुमते रुद्र कात्माए हुम फट, इस मंत्र का आपको रेगुलर जाप करना है। मैंने आपको साल की शुरुआत से अभी तक उपाय बताए, बहुत सारे दर्शकों के ईमेल्स आए, मैसेजेस आए, उन्होंने उपाय किया और उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके उपाय मिस हो गए। आप परेशानी की बात नहीं है, बाकी 6 महीने में वो उपाय कर और स्ट्रॉन्ग कर आप बाकी 6 महीनों को बहुत फेवरेबल कर सकते हैं। क्या करें अपने 6 महीनों को वरदान बनाने के लिए, चलिए आपको बता रही हूँ खास उपाय। चलिए आपको बताती हूँ खास चीज़ें।
सबसे पहले आपको क्या करना है ये सुनिए। आपको सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें 11 तुलसी के पत्ते भरकर रख देने हैं। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें पूरे ध्यान से। पूरे परिवार को ये अमृत बन जाएगा जब आप जाप करेंगी। अमृत पीने के लिए दीजिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है, घर में कभी कभी एक दिन के लिए इसे ही अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं। इसमें लगातार घी डालते रहें, इसको बुझने नहीं दें। और साथ साथ अपने माथे पर डेली केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिए। देखिए सब काम कैसे शुभ होंगे। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, हफ्ते में कोई भी एक दिन चुन लीजिए लगातार। इस दिन जैसे फ्राइडे चुन सकते हैं आप। एक कलश में जल भरकर उसके आसपास रंगोली बनाइए अपने मेन गेट पर। इसको हर शुक्रवार कंटिन्यू रखिए। इसको करने से घर में कोई नेगेटिव शक्ति नहीं आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आपके घर का वातावरण बिल्कुल स्वर्ग जैसा खूबसूरत और खुशनुमा हो जाएगा। एक खास चीज़ आपको करनी है कि लगातार चींटियों को आटा आपको ज़रूर देना है। चींटियों को आटा देने के बाद या मीठा देने के बाद, चीनी का भूरा देने के बाद घर आकर अपनी नाभि पे खुशबू वाला तेल लगाइए। देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, हर थर्सडे को आपको एक काम करना है, एक कलावा जिसको मौली बोलते हैं लीजिए। गायत्री मंत्र का 7 बार जाप करते हुए उस पर 7 गांठ लगा दीजिए। 7 गांठ लगाने के बाद उसको गले में पहन लीजिए। हर थर्सडे पुरानी मौली किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए और नई मौली पहन लीजिए। ऐसे रेगुलर करने पर आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। अब देखिए घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए घर में घंटी ज़रूर बजाया करें। घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। कोशिश करा करें जब धूप बत्ती भी करते हैं तो भी घंटी ज़रूर बजाया करें। और एक बात, आपको अपने घर से अगर नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर करना है तो आपको एक खास काम करना है। घर का मुखिया जो है रात को सोते समय एक कलश में पानी भरकर सोए और सुबह उठकर पीपल के पेड़ में डाल दे और इच्छा से डाले कि घर के कलेश खत्म हो। इसको रेगुलर करने पर घर के कलेश खत्म होते हैं, घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। और एक काम भी कर सकते हैं, घर के किसी कोने में एक फिटकरी का टुकड़ा महीने भर के लिए छोड़ दें। पुराना टुकड़ा पब्लिक टॉयलेट में छोड़ा है, नया टुकड़ा रख दें। ऐसे करने पर भी घर की नेगेटिविटी फिटकरी अब्जॉर्ब कर लेती है। आधे बचे साल में जो गलतियां हो गई सो हो गई, बचे हुए 6 महीने तो अपने घर को परफेक्ट कर सकते हैं। क्या छोटे छोटे काम करने हैं हमको, लिटिल चेंजेस करने हैं ताकि हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा हर दिन हर समय रहे। चलिए आपको बताती हूँ वास्तु के हिसाब से बचे हुए 6 महीने आप कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपका मेन गेट जो है वो मेन चीज़ है। आपका मेन गेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपके मेन गेट से पॉजिटिविटी घर के अंदर आए, इसलिए मेन गेट पर चांदी का स्वास्तिक ज़रूर लगाइए। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। अगली चीज़, अपने घर में ईस्ट में हरे पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। जैसे मनी प्लांट हो गया, छोटा सा बैम्बू प्लांट हो गया। ऐसा करने पर घर में सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब आपके भविष्य की बात करते हैं, यानी कि बच्चों की बात करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, एकाग्रता हो, ऐसे में ध्यान दें कि बच्चे खिड़की की तरफ पीठ करके ना बैठे, दीवार की तरफ पीठ करके बैठे। ऐसे में बच्चों के अंदर स्टेबिलिटी आती है और बैठने का कार्य जाता है। अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए बचे हुए 6 महीनों में, तो आने वाले 6 महीनों में क्या करें, अपने गोल को रेड पेन से लिखिए और उसके साथ एक लिमिटेड टाइम को फ्रेम कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ ये काम साल भर में हो, 6 महीने में हो, 3 महीने में हो, जो भी आपको लगता है डिजायर्ड लिमिट है, इसको अपने सामने लगा लीजिए ताकि उठते बैठते आपकी हमेशा इस पर नज़र रहे। इससे आपका गोल ज़रूर पूरा होता है। अपने घर में अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ को बिल्कुल ठीक रखें। नॉर्थ में लाफिंग बुद्धा का स्टैचू या पिक्चर लगाने पर घर में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी खिलखिलाती हुई आती हैं। अब उस बात की, जहाँ पर आपके भगवान का हर समय आशीर्वाद रहता है, यानी कि आपका पूजा घर। पूजा घर टॉयलेट से सटा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही पूजा घर किचन के अंदर होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, अपने पूजा घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। वहाँ अच्छे से भगवान की पूजा करें, चाहे जितनी देर कर सकते हो लेकिन भगवानों को सजा कर रखें। और कभी कभी महीने में एक बार जैसे पूर्णिमा के दिन उन पर फूलों की बारिश कर दें, इससे भी देवताओं की आशीष मिलती है। अब हम बात करते हैं कल की। कल हम बात करेंगे पति पत्नी की, रिश्तों की, प्यार मोहब्बत की, रिश्तों में मिठास लाने की। बचे हुए 6 महीने में आपके रिश्ते कैसे मजबूत बने इस पर बात करेंगे। अभी जानते हैं ब्रेक के बाद क्या है खास। फेसबुक पे हमारी व्यूअर रेखा गुप्ता जी ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। रेखा जी सेविंग्स नहीं कर पा रही है जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं। जब सेविंग्स वाले कपड़े के नीचे आप एक येलो कलर का कपड़ा बिछाएंगी और डिब्बे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा ढक देंगी तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी भी और आपकी सेविंग्स सही जगह यूज भी होंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपने कल को संवारने के लिए जानिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों को कल क्या करना है। मेष राशि वालों को कल के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना है। लक साथ दे रहा है आपका 64%।
वृषभ राशि वाले लोग कल दही में चीनी डालकर खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 73%। मिथुन राशि वाले लोग कल अगर आपको कहीं कोई एरिया में बकरी दिख जाए तो आप उसको कोई हरी चीज़ ज़रूर खिलाएं, और अगर बकरी ना दिखे तो मंदिर में छोड़ दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 81%। बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कर्क राशि वाले लोग कल स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 53%। अब वक्त हो गया है बात करने का सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि वाले लोग कल कोई चांदी की चीज़ जैसे सिक्का या चांदी का चौरस टुकड़ा अपने साथ ज़रूर रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 65%। बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि वाले लोग कल कुछ ग्रे कलर का कपड़ा या ग्रे कलर का पेन अपने साथ ज़रूर रखें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 60%। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों का। कल माँ लक्ष्मी का नाम लेंगे और सारे काम बनेंगे, माँ लक्ष्मी को याद ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 69%। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि वाले लोग कल एड़ी के बल खड़े होकर, मतलब एड़ी को खड़ा कर पंजों के बल हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुनें। किस्मत साथ दे रही है कल के दिन आपका 73%। अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। धनु राशि वाले लोग कल मीठे चावल बनाकर गरीबों में बांटिए। भाग्य साथ दे रहा है कल के दिन आपका 63%। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि वाले लोग कल काला नमक किसी ज़रूरतमंद को या किसी मांगने वाले को दे दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 54%। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि वाले लोग किसी भी धर्म स्थान पर कर हाथ धोने का साबुन छोड़ आइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। कल घर में किसी न किसी फॉर्म में सोना आप ज़रूर पहनिए, चाहे चेन, अंगूठी, कड़ा, कुछ भी गोल्ड कल ज़रूर पहनिए। लक साथ दे रहा है आपका कल 82%। आइए बात करते हैं आज के पांचवें और आखिरी महा उपाय की। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, कहीं कुछ लकी नहीं हो रहा, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप हर शनिवार को हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाइए। हनुमान जी को बनारसी पान बहुत पसंद है। जो भी भक्तों ने बनारसी पान चढ़ाता है उसके सारे कष्टों को वो हर लेते हैं। और एक बात आपको बताते हैं कि आपको जब बनारसी पान हनुमान जी को चढ़ाना है तो आपको साथ साथ किसी भी तरीके से रामचरितमानस के दोहे ज़रूर पढ़ने हैं, तभी तो उपाय कम्प्लीट होगा।